और कानपुर महानगर में केमिस्ट्री लागू होने के बाद सीआरपीसी गुंडा एक्ट और वाहनों के चालान के मामलों की सुनवाई अब सर्किट क्षेत्र में होगी। बता दें कि पहले मामलों की सुनवाई रिजर्व पुलिस लाइन में सुनी जाती थी और इस नई व्यवस्था लागू होने से अधिवक्ताओं के साथ साथ वादी की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसको लेकर आज बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड से मिलकर इसको लागू ना करने की अपील की। लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री का कहना था कि इससे वादकारियों पर बोझ भी बढ़ेगा। उस ज्ञापन की ये मुद्दा ये था कि कुछ दिन पूर्व जब से कमिश्नरेट लागू हुआ है तो विगत कुछ दिनों पहले माननीय कमिश्नर साहब ने जिला जोन वाइज जो है ये 116 सीआरपीसी के जो मामले थे उनको जोन वाइज निस्तारित करने के लिए आदेश दिया। उसमें हम लोगों ने माननीय से निवेदन किया तो उन्होंने निवेदन स्वीकार किया और पुनः पुलिस लाइन में ही सारे चालान होते रहे, जिससे कि वादकारी और अधिवक्ताओं को बहुत ही सुगमता थी। लेकिन पुनः कल फिर एक आदेश जारी हुआ है कि जोन वाइज ही 116/116 सीआरपीसी के चालान आते हैं पुलिस के द्वारा, वो संबंधित सभी जोनों में होंगे। यानी कानपुर नगर को चार भागों में विभक्त किया, उसमें वादकारियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, चूँकि अधिवक्ता की परेशानी तो कम है लेकिन वादकारी की ज़्यादा है। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार अब 151 और 116 की कोर्ट समस्त एसीपी महोदय के द्वारा ली जाएगी, संचालित की जाएगी। इसी के संबंध में बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन के सम्मानित अधिवक्तागण आज श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय के समक्ष ज्ञापन लेकर आए थे कि इस संबंध में जो भी कार्रवाइयां हो, जो पूर्व नियोजित व्यवस्था थी कि पुलिस लाइन में जो कोर्ट बने हुए हैं उन्हीं में हो, और इसी के संबंध में ज्ञापन दिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।